सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू फ्रेश वीडियो ऑफ डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में काफ़ी डिटेल्स को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम BSc नर्सिंग कोर्स के डिटेल्स को कवर करेंगे जिसे हर साल आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहां से पास आउट कैंडिडेट्स को MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। क्या है पूरा प्रोसीजर इस कोर्स को ज्वाइन करने का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस कोर्स के लिए बस फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। BSc नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन टोटल 4 ईयर्स का है जिसके बाद आपको MNS में कमीशन मिल जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको फ्री राशन अकोमोडेशन के साथ यूनिफॉर्म अलाउंस और मंथली स्टाइपेंड भी दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बॉन्ड साइन करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक MNS में सर्विस देनी होगी। जो कैंडिडेट कोर्स कंप्लीट होने के बाद कमीशन रिफ्यूज करेगा उसे अपना पूरा एक्सपेंस रिफंड करना होगा। यहाँ पर टोटल 6 कॉलेजेस हैं जिसके लिए आपको अपनी प्रिफ्रेंस देनी होगी। कॉलेजेस और उनकी रिस्पेक्टिव सीट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे, जिसमें BSc नर्सिंग के लिए 30 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग CH कोलकाता विद 20 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी विद 30 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग RR हॉस्पिटल न्यू दिल्ली विद 30 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग CH लखनऊ विद 30 सीट्स एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग CH बेंगलोर विद 20 सीट्स। रिस्पेक्टिव कॉलेज की वैकेंसी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। जब रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी उस दिन उन सारे कैंडिडेट्स का डेट ऑफ कमीशन होगा। सारे कॉलेजेस का रिजल्ट डिफरेंट टाइम पर डिक्लेयर होता है जिस वजह से डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे कैंडिडेट्स की सीनियरिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन फीमेल कैंडिडेट जिसकी एज 17 टू 25 ईयर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, डाइवोर्सी, लीगली सेपरेटेड और विडो विदाउट इनकम रेंस आर एलिजिबल। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप क्लास 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स और आपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कैंडिडेट फिलहाल 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, सेम जैसे NDA के केस में होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। एलिजिबल कैंडिडेट्स का 90 मिनट का रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम लगभग सभी मेजर सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम के मेरिट बेसिस पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स का टोटल करके बनाई जाएगी जिसके बाद मेरिट कम चॉइस डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी आपको डिफरेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।